नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ बलौदा बाजार के कलेक्टर भवन को हजारों सतनामी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए घेर लिया, जहां इस दौरान सतनामी समाज का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसके बाद बेकाबू भीड़ ने कलेक्टर कार्यालय को ही आग के हवाले कर दिया। इसमें कलेक्टर भवन, जिला पंचायत भवन और तहसील भवन सहित कई गाड़ियों की आगजनी की गई। आग बेकाबू हो गई और इस बेकाबू आग से कलेक्ट्रेट भवन भी जलकर खाक हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकर्मियों ने पुलिस के साथ मारपीट की, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। आपको बता दें कि गिरोधपुरी में किसी अज्ञात असामाजिक तत्व द्वारा जेतखाम को तोड़े जाने की CBI की जाँच की मांग लंबे समय से प्रशासन से की जा रही थी और लोग नाराज चल रहे हैं। सतनामी समाज के लोग सोमवार को विरोध प्रदर्शन के लिए कलेक्टर भवन पहुँचे थे। इस दौरान हजारों की संख्या में समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया और अंदर जा घुसे। बेकाबू सतनामी समाज के लोगों ने सिक्योरिटी में लगे पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव करते हुए उनके साथ मारपीट की। करीब 4-5 हज़ार लोग कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए। इस दौरान भीड़ ने कलेक्टर भवन में आग लगाने के साथ बाहर खड़े प्रशासनिक गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने कहा कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे पास सभी का फोटो वीडियो है, उसमें पहचान कर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राम जुड़ा मेले तरह से 20 से अधिक लोग आए हैं। सभी संत समाज का
सीन है। अभी दिख रहा है, उतना समय नहीं दिख रहा था। हेलो, ऊपर जो मतलब जैसे कम काट लिए जाते हैं, और यहाँ भी गिरौदपुरी में भी 15-16 की दरमियानी घटना हुई थी, जिसको पुलिस के द्वारा आरोपियों को पकड़ के आरोपियों की गिरफ्तारी विधिवत किया गया। उससे उसी को लेकर के कि हमारे हर जगह ये चीज होते हैं, तो उसी को लेकर के इन लोगों ने एक शक्ति प्रदर्शन अपने समाज को संगठित करने के लिए कि शांति पूर्वक हम करेंगे, और सभी ने आश्वासन दिया था, जितने भी उनके लीडर्स थे और जो भी जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था और लिखित में भी दिया गया था प्रशासन को कि हम शांतिपूर्वक ये रैली एक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें वो पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर के और वो सभी जो आए थे उपद्रव के रूप में जो आए थे, हमारे द्वारा पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने बैरिकेड जो जहां पे सबसे पहले जो ये बात हुई थी कि कार्यक्रम के बाद गार्डन चौक के पास हम अपना ज्ञापन देंगे, तो वहां पे हमारी व्यवस्था थी। उसके अलावा भी 4 जगह पर्याप्त बैरिकेड लगाए गए थे, तो उसको हटके दूसरे रास्ते से लड़के आकर के वो तोड़ दिए, और इसके बाद फिर दूसरा भी पुलिस के साथ धक्का मुक्की, उसके भी पथराव करना शुरू कर दिया। जो हमारा सेकंड लास्ट बैरिकेड था वहाँ पे काफी ज्यादा पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे पुलिस के कई सारे जवान इंजर्ड हो गए, हमारे अधिकारियों को भी चोट आई। उसके बाद उनको भी फिर भी संयम बरतते हुए उन्हें पर्याप्त बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्वक जाइए, कार्यक्रम हो गया, लेकिन उनके द्वारा फिर भी जो है पथराव करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुस गए और यहाँ पे रखी गाड़ियों में उन्होंने आग लगा दिया, आगजनी की घटना किया, और उसके बाद तोड़फोड़ जो है कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया है, आग पे काबू कर लिया गया, और शहर में भी कुछ उपद्रव किए गए हैं, तो उनके भी कंट्रोल कर लिया गया है और अभी स्थिति नियंत्रण में है। कितने वाहनों को अभी उसका हम लोग आकलन कर रहे हैं और उसका तैयार कर रहे हैं। लागू की गई है अभी ऐसी कोई बात नहीं है सर। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में बात सामने आई थी प्रदर्शन को लेकर, तो कहीं ना कहीं पुलिस की और स्टाफ की जरूरत थी। पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त बल लगाया गया था, क्योंकि 6,000 उनके द्वारा बताया गया था कि हम 3,000 से 4,000 लोग आएंगे, और लगभग 4,000 से 5,000 लोग आए थे, और चूंकि वह पूरी तरह से अनकंट्रोल नेतृत्वविहीन होकर के उनके द्वारा ये किया गया और एक कहा जाए तो एक टारगेट टाइप से कर दिया गया, जिसकी वजह से ये घटना हुई। कितने पुलिस बल जो तैनात किया? लगभग 500 के आसपास हमने पुलिस बल तैनात किया था और पर्याप्त तैनात किया।